नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्नी जी में। दोस्तों, इतिहास के टॉप एमसीक्यू जो कि मुख्य रूप से आधारित हैं, जितने भी पीएससी एग्जाम्स हैं, स्टेट पीएससी, चाहे वो यूपी पीएससी हो, सीजी पीएससी हो, एमपी पीएससी हो, आरपीएससी हो, और जितने भी हमारे पीएससी के एग्जाम्स हैं और एसएससी के सीजीएल के लिए जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं, उनके टॉप एमसीक्यू की श्रृंखला का आज ही हमारा दूसरा पार्ट है। और हड़प्पा सभ्यता का पहला पार्ट हमने आपको प्रोवाइड किया था और ये लास्ट पार्ट है। इसमें लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और पिछले पार्ट में भी, मतलब फर्स्ट पार्ट में भी आपको लगभग इतने ही क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए थे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बार बार इनकी संभावनाएं बनी है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट को, हड़प्पा सिविलाइजेशन का, और ये लास्ट पार्ट भी है हड़प्पा सिविलाइजेशन का। तो आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको आने वाले पार्ट्स नहीं मिल पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का पार्ट और बात करते हैं पहले सवाल की। पहला सवाल है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? और दोस्तों, इस श्रृंखला को आप एक टेस्ट के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर चार ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और आप उनके जो आंसर हैं वो पहले ही गेस कर सकते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर आपको आंसर बताएंगे, हमारे द्वारा आपको आंसर बताए जाएंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु सभ्यता, ऑप्शन सी लोथल सभ्यता, या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो सभ्यता। तो ऑप्शन ए सिंधु घाटी, बी सिंधु सभ्यता, सी लोथल, या डी मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे प्रचलित नाम है वह है सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का चित्र सबसे ज्यादा अंकित मिला है? मतलब जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई तो वहां पर जो मोहरें प्राप्त हुई तो उनमें से सबसे ज्यादा मोहरों पर किस पशु का चित्र बना हुआ था? ऑप्शन है आपके ए बैल का, बी सिंह का मतलब शेर का, ऑप्शन सी हाथी का, या ऑप्शन डी घोड़े का। तो सैंधव स्थलों के उत्खनन से मोहरों पर सबसे ज्यादा जो चित्र मिले हुए मोहरे हैं वह है ऑप्शन ए हमारा, जो कि बैल है। ठीक है, बैल के चित्र की मोहरे सबसे ज्यादा प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या थी? ऑप्शन ए नगर नियोजन, ऑप्शन बी शिकार व्यवस्था, ऑप्शन सी कृषि उपकरण, या ऑप्शन डी उद्योगों के लिए सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी। तो निम्न में से किस चीज के लिए सिंधु घाटी सभ्यता सबसे ज्यादा जानी जाती थी? तो है अपने नगर नियोजन के लिए, मतलब जो ऑप्शन ए है वह सही है, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से विशेष है। अगला सवाल है, हड़प्पा का निम्न में से कौन सा स्थल भारत में, जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता का जो कि भारत में पाया जाता है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर सही है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी है लोथल। जिन लोगों ने भी सही गेस किया है उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये जितने भी सवाल हैं इस श्रृंखला के टॉप एमसीक्यूज के जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका दूसरा पार्ट है, आप ये समझ लीजिए कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछे जाने वाले सवाल है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अपनी जो स्किल है उसको आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपने कितना अभी तक सीखा है और आपको कहाँ पर और ज्यादा डेवलप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, तो है सिंधु घाटी सभ्यता में भारत का खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में भारत का खोजा गया जो सबसे पुराना शहर है उसके ऑप्शंस हैं ए बनवाली, या ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, या ऑप्शन डी सिंध। तो सबसे पुराना शहर कौन सा है? इसका सही आंसर है हड़प्पा। अगला सवाल जो है, वह है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? जो मांडा है वह किस नदी के किनारे स्थित है?
तो ऑप्शन है आपकी ए रावी नदी के किनारे, ऑप्शन बी जो है चिनाव नदी के किनारे, ऑप्शन सी सिंधु नदी के किनारे, या ऑप्शन डी सतलज नदी के किनारे। तो इसका जो सही आंसर है मांडा, वह स्थित है चिनाव नदी के किनारे, जो ऑप्शन बी इसका सही है। किस नदी के किनारे? चिनाव नदी के किनारे। अगला सवाल है हमारा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो भारत में चांदी की जो उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन है आपके ए हड़प्पा संस्कृति से, या बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से, ऑप्शन सी वैदिक सभ्यता से, या ऑप्शन डी आधुनिक भारत के साक्ष्य से। तो चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो मिलते हैं हमारे हड़प्पा संस्कृति से, मतलब ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? तो रोपड़ के लिए ऑप्शन है आपके ए रावी नदी के, बी चेनाव नदी के तट पर, ऑप्शन सी सतलज नदी के तट पर, या ऑप्शन डी सरस्वती नदी के तट पर। तो निम्न में से कौन सा जो रोपड़ शहर है वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, सतलज नदी के तट पर। और दोस्तों सिंधु सभ्यता से संबंधित बहुत सारे जो सवाल बनते हैं उनकी ट्रिक्स जो है हमने आपको बहुत ही सरल भाषा में प्रोवाइड की थी। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन होता है इन नामों को याद करने का और किस नदी के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं और जितने भी इससे महत्वपूर्ण सवालों के ट्रिक्स हैं उनको आप वीडियो के ट्रिकी वीडियोस के प्लेलिस्ट में जाकर के ट्रिकी जी के वहां पर आप जरूर देखें, क्योंकि उनको बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पर समझाया गया है। ठीक है, अगले सवाल पर फोकस करते हैं। तो अगला सवाल हमारा है, हड़प्पा सभ्यता में उन्नत जल प्रबंध के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? उन्नत जल प्रबंध के जो साक्ष्य हैं, ऑप्शन है आपके ए कालीबंगा से, ऑप्शन बी धौलावीरा से, ऑप्शन सी आलमगीरपुर से, या ऑप्शन डी सिंध से। तो निम्न में से किससे हड़प्पा सभ्यता में उन्नत जल प्रबंध के साक्ष्य मिले हैं? इसका सही आंसर है धौलावीरा से। कहां से? धौलावीरा से। अगला सवाल है, हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग किया गया था? जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, जो बर्तन प्राप्त हुए उनमें किस रंग का प्रयोग किया जाता था, किस रंग से रंगे जाते थे? ऑप्शन है आपके ए पांडु, बी नीला, सी लाल, या डी हरा। तो हड़प्पा सभ्यता से जो बर्तन प्राप्त हुए वो मुख्य रूप से लाल रंग से रंगे जाते थे। अगला सवाल देखेंगे, तो सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में किन घरों में कुओं के साक्ष्य मिले हैं? मतलब जो सिंधु सभ्यता की अगर हम बात करते हैं पूरी, तो कहां से जो कुएं के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन है आपके ए कालीबंगा से, बी मोहनजोदड़ो से, सी लोथल से, या डी महदमा से। तो या इनमें से किस कहां से जो घरों में कुएं के साक्ष्य मिले हैं, तो ऑप्शन बी इसका जो है वह सही है, मोहनजोदड़ो, जहां से कुएं के साक्ष्य घर से प्राप्त हुए। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। तो अगला सवाल है हमारा, सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ऑप्शन है आपके ए ऐतिहासिक काल की, बी प्रागैतिहासिक काल की, सी अघैतिहासिक काल की, या डी अघैतिहासिक काल, या उत्तर प्रागैतिहासिक काल। तो सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो इसका सही आंसर है अघैतिहासिक काल की सभ्यता थी। अगला सवाल है, रंगपुर जो है वह किस राष्ट्र से, जो किस राज्य से संबंधित है? रंगपुर किस राज्य से संबंध रखता है? ऑप्शन है आपके ए सौराष्ट्र से, बी उत्तर प्रदेश से, सी पंजाब से, या डी राजस्थान से। तो रंगपुर जो है वह सौराष्ट्र से संबंध रखता है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
अगला सवाल है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे? देखिए, किसके द्वारा खोजा गया वो डिफरेंट चैप्टर है, और कौन खुदाई के इंचार्ज थे ये जो है अलग क्वेश्चन है। तो कई बार यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, तो ये आप बिल्कुल क्लियर रखेंगे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के जो प्रभारी थे कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, बी लॉर्ड टॉड, सी लॉर्ड क्लाइव या डी सर जॉन मार्शल। तो इसका जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन डी है, सर जॉन मार्शल। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल हमारा है, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास रखते थे? जो ऑप्शन है उनमें से किस में विश्वास सिंधु घाटी के लोग रखते थे? ऑप्शन ए है आपका कर्मकांड में, ऑप्शन बी मातृशक्ति में, ऑप्शन सी यज्ञों में, या ऑप्शन डी आत्मा में। तो जो सिंधु घाटी के लोग थे वो मुख्य रूप से किस में विश्वास रखते थे? तो मातृशक्ति में, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे वो मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। अगला सवाल है, सैंधववासी किस जानवर से परिचित नहीं थे? मतलब कहाँ जो सैंधववासी थे वहां से किस जानवर के साक्ष्य नहीं मिले हैं? तो ऐसा माना जाता है कि वो इस जानवर से परिचित नहीं थे। ऑप्शन है आपके ए सिंह से, बी हाथी से, सी बैल से या डी घोड़े से। तो निम्न में से किस जानवर से सैंधववासी परिचित नहीं थे, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, सिंह से सैंधववासी परिचित नहीं थे। अगला सवाल देखेंगे, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी अन्नागार, ऑप्शन सी सभा भवन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है वह विशाल स्नानागार है, जो 180x108 का फिट में, स्क्वायर फिट का जो विशाल स्नानागार है वह बना हुआ है। तो मोहनजोदड़ो की जो कि सबसे बड़ी इमारत है। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में लोग घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग करते थे? कौन सी पद्धति अपनाई जाती थी घरों के विन्यास के लिए? ऑप्शन से आपके ऑप्शन ए कमल पुष्प पद्धति, ऑप्शन बी गोलाकार पद्धति, ऑप्शन सी ग्रीड पद्धति या ऑप्शन डी त्रिभुजाकार पद्धति। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग घरों के विन्यास के लिए जो पद्धति अपनाते थे वह ग्रीड पद्धति थी, जो ऑप्शन सी सही है। और त्रिभुजाकार जब भी यहां पर आता है तो यह आता है कि जो संपूर्ण क्षेत्र था हड़प्पा सभ्यता जो थी वह एक त्रिभुजाकार में बसी हुई थी, ठीक है, एक त्रिभुज के आकार में बसी हुई थी, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जो घरों के विन्यास की पद्धति थी वो ग्रीड पद्धति थी और जो सैंधव सभ्यता थी वह त्रिभुजाकार बसी हुई थी। अगला सवाल देखेंगे, सैंधववासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सैंधववासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन ए है आपका चांदी से, ऑप्शन बी कांसा से, ऑप्शन सी लोहे से या ऑप्शन डी सीसा से। तो इसके जो चार ऑप्शन है कि कौन सी धातु से परिचित नहीं थे, तो ऑप्शन ए जो है बी कांसा, सी लोहा और डी सीसा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है, लोहे से सैंधववासी परिचित नहीं थे। अगला सवाल है हमारा, नृत्य करते हुई महिला की कांसे की मूर्ति किस नगर से प्राप्त हुई है? सैंधव सभ्यता में नर्तकी की कांसे की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी हड़प्पा से, ऑप्शन सी कालीबंगा से या ऑप्शन डी रोपड़ से। तो नर्तकी की कांसे की मूर्ति जो प्राप्त हुई है वो कहां से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, किस हड़प्पा स्थल से युगल समाधान की जो जानकारी मिली है, साक्ष्य मिले हैं, तो वह कौन सा स्थान है जहां से युगल समाधान की जो साक्ष्य है वो प्राप्त हुए? ऑप्शन है आपके ए हड़प्पा, बी लोथल, सी कालीबंगा या डी बनवाली। तो युगल समाधान की जो
साक्ष्य प्राप्त हुए वो हमारे लोथल से प्राप्त हुए, जो कि ऑप्शन बी इसका सही है। अगला सवाल देखेंगे, सिंधु सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करते थे, ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादित करते थे कपास को, जिसको ग्रीक व यूनानवासी किस नाम से जानते थे, मतलब ग्रीक व यूनानवासी कपास को किस नाम से जानते थे। ऑप्शन है आपके ए काटन, बी सिंडन, सी हिंडन या डी कपास को कपास ही कहते थे। तो इसका जो सही आंसर है ए बी सी डी में वह ऑप्शन बी है सिंडन। ग्रीक व यूनानवासी कपास को सिंडन के नाम से जानते थे, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तांबे का रथ का जो साक्ष्य मिला है वह किस स्थान से मिला है। ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए दैमाबाद से, ऑप्शन बी रोपड़ से, ऑप्शन सी पनवाली से या ऑप्शन डी राखीगढ़ी से। तो तांबे का रथ जो मिला है वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है आपका, दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। अगला सवाल देखेंगे, तो अगला सवाल आएगा हमारा, निम्न में से हड़प्पा के बंदरगाह कौन कौन से हैं। ऑप्शन है आपके ए लोथल, बी बालाकोट, सी कुंतासी या डी, ये सभी ही हड़प्पा के बंदरगाह हैं। ऑप्शन आपके हैं कौन कौन से, ए लोथल, बी बालाकोट, सी कुंतासी और डी ये सभी। तो ऑप्शन डी ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने भी नाम है ये सभी ही जो हड़प्पा के बंदरगाह हैं। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है, चनहुदड़ों के उत्खनन का श्रेय किसको दिया जाता है। तो चनहुदड़ों के उत्खनन का जो श्रेय है, ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल को दिया जाता है, या ऑप्शन बी जे एच मैके, ऑप्शन सी आर्ले स्टीन को, या ऑप्शन डी ई एम व्हीलर। तो निम्न में से किसको चनहुदड़ों के उत्खनन का श्रेय दिया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह बिल्कुल सही है, जे एच मैके को दिया जाता है। अगला सवाल देखेंगे, पुजारी की प्रस्तर मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है। तो पुजारी की जो प्रस्तर मूर्ति है, ऑप्शन ए है आपके रंगपुर से प्राप्त हुई है, या ऑप्शन बी हड़प्पा से प्राप्त हुई है, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, या ऑप्शन डी लोथल से प्राप्त हुई है। तो ए बी सी डी में इसका कौन सा आंसर सही है, कि पुजारी की जो प्रस्तर मूर्ति है वो कहां से प्राप्त हुई है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है, हड़प्पा, हड़प्पा से प्राप्त हुई है। अगला सवाल देखेंगे, ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह कहां से प्राप्त हुआ है। ईंट पर कुत्ते का पदचिन्ह जो कि बिल्ली का पीछा कर रहा है वो कहां से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है आपके ए लोथल से, बी चनहुदड़ो से, सी रंगपुर से या डी बनवाली से। तो इसका जो आंसर है वह हमारा ऑप्शन बी सही है, चनहुदड़ो से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह हमको प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है, स्वतंत्रता के पश्चात सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा स्थलों की खोज कहां पर हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे अधिक जो हड़प्पा स्थलों की खोज हुई वह कहां पर हुई। ऑप्शन है आपके ए उत्तर प्रदेश में, बी पंजाब में, सी गुजरात में या डी हरियाणा में। तो इनमें से कहां पर हड़प्पा स्थलों की खोज हुई है, ऑप्शन जो इसका सी है गुजरात है बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी, मतलब मुख्य रूप से जो नहीं खाया जाता था वह कौन सी फसल है। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी दाल या ऑप्शन डी जौ। तो निम्न में से कौन सी मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही है, चावल मुख्य खाद्यान्न फसलों में नहीं आता था। अगला सवाल है, किस पशु के अवशेष हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। इस सवाल को हालांकि हमने पहले भी चर्चा की थी, लेकिन सवाल का प्रारूप दूसरा था और ये प्रारूप दूसरा है।
पहले सवाल में हमने चर्चा की थी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे, अभी सवाल है किस पशु के अवशेष हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। तो ऑप्शन है आपके ए बैल, बी जो है यहाँ पर ऑप्शन गलत टाइप हो गया है, जो अगला है सी सिंह, या डी गाय, और बी को आप कुछ भी घोड़ा मान सकते हैं। तो ए बैल, बी घोड़ा, सी सिंह या डी गाय। तो हड़प्पा में जो अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं वो है सिंह के, क्योंकि सिंह से सैंधववासी परिचित नहीं थे। सो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये हमारी श्रृंखला जो टॉप एमसीक्यूज की है प्राचीन भारत की, खास करके जो एसएससी सीजीएल और स्टेट पीएससी के प्रारूप पर बनाई गई है, ये आपको कैसी लग रही है। वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, क्योंकि जितना अधिक आप शेयर करेंगे उतना ही अधिक लोग इसका लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। सो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नेक्स्ट हमारी जितनी भी श्रृंखला है उनको पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।